बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं मटन स्पेशल कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी, और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत कम मसालों में ये तैयार होती है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें मटन चाहिए 1 किलो चाहिए, हमें हड्डी वाला गोश्त चाहिए, हड्डियाँ लगी भी ज़रूर होनी चाहिए तभी कढ़ाई का मज़ा आएगा। 5 अदर टमाटर हैं बड़े वाले, मैंने छिलका उतार के इनको दो दो टुकड़ों में कर लिया है। नमक हसबे ज़रूरत चाहिए, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ साबुत धनिया है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून, ये चारों मसाले हैं। अदरक लहसुन फ्रेश है जो मैंने कूट लिया है, अगर आपके पास पिसा हुआ है तो पिसा हुआ डाल दें। 1 प्याली ऑयल जाएगा इसमें, 2 चम्मच दही के जाएंगे, 1 गिलास पानी, और इसमें ये जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, साबुत अदरक है बारीक बारीक काट लिए मैंने, और 1 लीमू। 1 कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने ये सारा गोश्त अपना डालना है। थोड़ा सा कितना गोश्त हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें ये डाल देंगे। उसके बाद ये ऑयल डाल देंगे, ऑयल डाल के हमें इसको 5 मिनट के लिए ढकना ढक देना है, दरमियानी आंच करके। 5 मिनट बाद हमने इसको देखना है, जब गोश्त पानी छोड़ देगा इसको भूनेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। हम इसमें नरक मानी रही हूँ, ये देखें तकरीबन 10 सेकंड हुए हैं, देखें कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हमने इसको अदरक लहसुन जो हमने कूटा था 1 टेबल स्पून ये डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। 10 सेकंड तक हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है, क्योंकि इसमें जो भी स्मेल है, पानी है, सब निकल जाए। अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, गोश्त का जो भी पानी था अदरक लहसुन का सब पानी निकल गया है। इसके बाद ये जो इसके बाद पहले हम नमक डालेंगे, नमक कितना हद ज़रूरत, नमक डालेंगे और फिर ये टमाटर डाल देंगे जो हमने दो दो टुकड़े किए थे, इसको रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जब बकरीद का गोश्त होता है वो फ़ौरन गल जाता है, इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाया है। 1 गिलास पानी लेंगे, इसके साथ 1 गिलास पानी डाल के इसको हमने आधे घंटे तक दरमियानी आँच पर पकाना है, गोश्त गलने तक। हमें आधा घंटा हुआ है अभी, आधे घंटे में टमाटर जो थे बिल्कुल गल गए हैं, थोड़े थोड़े से बाकी हैं, अभी गोश्त अच्छे से नहीं गला है, अभी हाफ कुक हुआ है गोश्त। तो अब हम ये जो हमने मसाले निकाले थे इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारे मसाले हम डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद ये जो मैंने हरी मिर्ची ली है 4 अदद, इसमें से 2 हरी मिर्ची हम इस स्टैम्प पर डाल देंगे, इस तरह 2 टुकड़े करके अपनी गार्निशिंग पर लगाएंगे। अभी गोश्त नहीं गला है इसलिए पानी भी थोड़ा कम है, तो 1 गिलास पानी मैंने पहले डाला था, आधा गिलास अब मैं डाल रही हूँ। पानी डाल के इसको हमने पानी खुश्क होने तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। बस इसी पानी में तकरीबन पूरी इसमें कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी गया है, और अब इसके बाद हमने इसको हल्की उतनी ही आंच पे मीडियम फ्लेम पे हमने रख दिया है, और ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। इसके बाद फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें नरक मान लेंगे, देखें भी बस तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, पानी खुश्क हो गया है, गोश्त भी अच्छे से गल गया है हमारा, अब हमने भुनाई करनी है। 2 चम्मच दही डालेंगे, खूब अच्छे से भूनेंगे। गोश्त बहुत अच्छे से हमारा गल गया है, आंच मैंने फुल कर ली है,
इसको अच्छे से भूनेंगे। कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा, सारा मसाला एक साथ हो चुका है। आपको दिखाती हूँ गोश्त मेरा किस तरह गला। देखो बिल्कुल गोल गोश्त गल गया है। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको कढ़ाई में ही बनाया है। प्रेशर कुकर में आपका तकरीबन 20-25 मिनट में तैयार हो जाता है। खूब अच्छे से भुनेंगे। अब हमने हरा धनिया डालेंगे। आधा लीमू है ये डाल देंगे। अदरक डालेंगे। लेकिन यार हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे। ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छे से बनाई होगी ये, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए बस हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई गोश्त तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।